चिंता बढ़ाइला ओमिक्रॉन। पड़ोसी आंध्रे ओमिक्रॉन चिन्हट पर चिंतार राज्य सरकार कोरोनार नुआ भारियंट को नहीं सतर्क घंटी। राज्यर समस्त सीमावर्ती जिला सजग कराइले सरकार। टेस्टिंग एवं सर्विलांस को कड़ाकड़ी पालन करने गमनागमन उपर नजर रखा स्वास्थ्य विभाग निर्देश। तास विमान बंदर जावासवा करी कड़ा नजर रखिंट सरकार। जेहेतु ओमिक्रॉन भी से गोटे प्रजातिर गोटे फैमिली तर गोटे जिनस तेणु से मानकर क्रॉस प्रोटेक्शन निश्चय रही से माने भी इम्यून एस्केप करती भी किछि किछि निश्चित भाव से माने रोग प्रतिरोधक शक्ति रहिबो एवं से माने सीरियस होवारु निश्चय रक्षा करेंगे मृत्युमुखर निश्चय बंचेबे। तेणु समस्ते बिना द्विधारे टीका जिते शीघ्र संभव नियंतु एवं जो मैंने जानते भी जो गाँव मुखिया मैंने अच्छा कि आमर जनप्रतिनिधि अच्छा एनजीओ अच्छा कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा जो गाँव में जार इन्फ्लुएंशियल लोक अच्छा समस्ते चेष्टा करूँ जे तांकर गाँव में समस्ते जमी टीका ने कारण जड़े भी जदि टीका न नहीं रे सी संक्रमित हे अन्य संक्रमित करे। सेपटे शिक्षानुष्ठान बढ़ुची कोरोना संक्रमण। आज कप्तिपदा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 40 ऊर्ध आक्रांत चिन्हट होती। स्कूल में बढ़ुवा संक्रमण को आखिरे रखी स्कूलगुड़िक गाइडलाइन को कड़ाकड़ी भाव पालन करने को निर्देश दे स्वास्थ्य विभाग। स्कूल और गणशिक्षा विभाग तरफ स्वतंत्र एसओपी जारी करा जाई छी। टेस्टिंग को गुरुत्व दिया जो पिला लक्षण आसल आसवा बारण कर पिला शिक्षा किपर जारी रहा विभाग फोकस रही गणशिक्षा मंत्री जिला प्रशासन माने देखुं आम तरफ जहाँ एसओपी रहा कथा रही तेणु कौटी आवश्यकता पड़ी जदि आम तो कही बारंबार ए संपर्क में कही जो सामान्यतम सिम्टम्स आसूँ से स्कूल को आसवाप बारण कराऊँ बाकी कौटी आवश्यकता पड़ी जिला प्रशासन मैंने देखुं से अनुसार टेस्टिंग घटना हो रैपिडली हो तेणु एमती गोटे आइसोलेसन केस गोटे गोटे अधे गोटे हो समस्त व्यवस्था अच्छी आमर जो हटात दरकार पड़ा आइसोलेसन रूम कथा अच्छी जॉइंट मेडिकल टीम आम शिक्षा विभाग एवं मेडिकल टीम जॉइंटली चिकित्सा व्यवस्था है। राज्य में वर्तमान 87% लोक प्रथम डोज टीका नहीं सारी 13% लोक एवं भी टीका नहीं ना मयूरभंज कंधमाल और कटक भली जिले में प्रथम डोज टीकाकरण हार कम तेज जो मैंने टीका नहीं ना टीका नेबाकु निवेदन करिछि स्वास्थ्य विभाग कारण मास्क एवं टीका ही महामारी मुकाबिला मूल अस्त्र। भुवनेश्वर दिव्यजित महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।